सीता विश्वकर्मा चैनल में आपका स्वागत है। हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटा जरूर बजाइए नए नए अपडेट्स के लिए। आज हम बनाएंगे मसाला इडली। तीन कलर में बनाएंगे। वाइट कलर में हम स्वीट कलर डालेंगे, ग्रीन, ऑरेंज और ये सिंपल ही रहेगा। चार से पांच हमने आलू बॉयल लिए हुए हैं, उसे हमने मैश कर लिया। प्याज एक छोटा, गरम मसाला आधा चम्मच, कड़ी पत्ता 8 से 10, जीरा आधा चम्मच, लाल मिर्च आधा चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, धनिया आधी कटोरी, हरी मिर्च 5 से 6, मटर आधी कटोरी, स्वाद अनुसार नमक। हम पैन चढ़ाएंगे, उसमें हम 2 चम्मच तेल डालेंगे। आलू मसाला बनाएंगे हम इडली का, उसके लिए जीरा, थोड़ा सा हम जीरा डालेंगे, प्याज, हरी मिर्च, कड़ी पत्ता डालेंगे, मटर आधा कप, मटर हमारे अच्छे से पक जाना चाहिए, हल्दी, लाल मिर्ची पाउडर, गरम मसाला, नमक स्वाद अनुसार। मसाला हम पका लेंगे अच्छी तरह से। ये हमारा मसाला पक गया है, अब हम इसमें आलू डालेंगे। हमने अच्छी तरह से इसको मिला लिया है, पका लिया है। अब इसमें हम धनिया डालेंगे, बेसन बंद कर देंगे। ये हमारा इडली मसाला तैयार हो गया है। आलू के हम छोटा सा लेंगे, इसे बॉल बनाएंगे और इसे टिक्की टाइप बना देंगे, पतली सी बनाएंगे इसकी। इस तरह हम आलू की टिक्की बन गई है। यह आलू टिक्की बन गई है, इसे हम इडली में डालेंगे। इडली वाला बर्तन हम लेंगे, उसमें हम 1 गिलास पानी डालेंगे। 1 गिलास हमारा पानी डाल दिए हैं, अब हम इडली बनाएंगे। इडली वाला हमने बर्तन लिया है, उसमें हम तेल लगाएंगे ताकि इडली हमारी चिपके नहीं। इस तरह हमने तेल लगा लिया है। व्हाइट कलर हम देंगे, 1 चम्मच हम डालेंगे पेस्ट, उसके बाद ये टिक्की आलू मसाले वाली डालेंगे, उसके ऊपर से फिर से हम 1 चम्मच डालेंगे और अच्छे से इसको इस तरह ढक देंगे। बना लिए हैं। जब हमारा पानी उबलने लगेगा तो फिर हम ये इसमें रख देंगे, इसको ढक देंगे 10 मिनट के लिए धीमी आंच में इसको पकाएंगे। इडली हमारी देख चेक करेंगे पक गई है कि नहीं। ये बिल्कुल सिंपल निकला, इससे इडली पक गई है। अगर इसमें चिपक जाता है तो इडली हमारी कच्ची रहती है। इडली हमारी तैयार हो गई। इडली के स्टैंड से हमने निकाल लिया है, अब इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। इस तरह हम चाकू से ठंडा होने के बाद निकालेंगे। ये बहुत आसानी से इडली हमारी निकल गई है, इस तरह बहुत सॉफ्ट बनी है। हमारी आलू मसाले वाली इडली तैयार है। ये 3 कलर में हमने बनाया है, ग्रीन, वाइट, ऑरेंज। इसे बनाना बहुत आसान है और बहुत सॉफ्ट बनी हुई है।